हेलो स्टूडेंट्स, हम आज एक स्टिल लाइफ सीन तैयार करेंगे पेंसिल शेड के साथ, ताकि हमें जो पेंसिल शेड की टेक्निक्स हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, जब भी हम किसी स्केच में शेड करते हैं वो आपको अच्छी तरह से समझा जाएंगे। तो हम एक स्टिल लाइफ में हम आज एक बुक और उसके ऊपर कोई फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और सेम टू सेम एक स्टिल लाइफ सीन बना के देखना है। शुरुआत में हम क्या करेंगे कि जो हमारी शीट है ये, उसके बिल्कुल हाथ में एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। ये जो हमने स्ट्रेट लाइन दी है इसे हम बोलते हैं हॉराइजन लाइन। हम तो पैरेलल लाइन ऐसे लेंगे और दोनों लाइंस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सेम होना चाहिए, मतलब ये लाइन भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और ये वाली भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम हॉराइजन लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन लेंगे ऐसे और सेम एक लाइन हम देंगे यहाँ पे ऐसे। अभी ये तो बुक का जो ऊपर वाला पार्ट है, मतलब टॉप है जो बुक का, ये वाला उसका टॉप शो हो गया हमें। अभी सॉरी, ये वाली लाइन जो हमने लगाई है ये भी हॉराइजन लाइन के पैरेलल ही आएगी ऐसे। Should be straight. Line बिल्कुल straight होनी चाहिए। अभी ये तो book का top हो गया। अभी book की जो height है, वो हम कैसे show करेंगे? Suppose book की height इतनी है, ये वाली जो line है, ये हमने book की height दिखाई है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस point से जो इन दोनों लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन देंगे, ठीक है, और इसको भी इसके साथ ऐसे ला देंगे। तो ये हमारा बुक की जो हाइट है वो बन गई। अभी सेम एक हॉराइजन के पैरेलल लाइन ऐसे देंगे, ठीक है। अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम हल्का सा कर्व शेप में देंगे, सेम ये वाला पार्ट। अभी जो रफ लाइंस है वो हम सारी हटा देंगे। तो ये हमारे पास आ गई एक बुक। ऊपर से हल्का सा खर्ब शेप दिए से सेम
नीचे से भी दिए से। तो ये हमारा एप्पल तैयार हो गया। अभी जो एप्पल की बीच वाली लाइन से उसे हम डालेंगे। शेड जो होती है वो लाइट की पोजीशन पे डिपेंड होती है कि लाइट जैसे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रही है। सपोज इसमें जो हमने ड्राइंग की है इसमें सपोज लाइट यहाँ से फॉल हो रही है, ऐसे ये लाइट है, तो क्या होगा कि ये वाली जो साइड है सारी ये लाइट आएगी, जो साइड लाइट के ऑपोजिट है वो साइड डार्क आएगी। मतलब ये वाली साइड जो है ये डार्क आएगी, सेम ये बुक की ये वाली साइड डार्क आएगी। ठीक है, तो अभी हम शेड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शेड करेंगे एप्पल में, एप्पल का ये वाला पार्ट जो है ये लाइट के बिल्कुल फ्रंट में है और ये लाइट के ऑपोजिट आ गए, इसलिए हमें ये वाली साइड जो है ये लाइट आएगी, फिर ये हल्की हल्की मीडियम आएगी और ये साइड जो है ये डार्क आ जाएगी। पार्ट जो है ये लाइट के ऑपोजिट हो गया तो ये हल्का सा डार्क आएगा ऐसे। सेम ये वाला पार्ट कैसा डाल
अपना शेडो यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे और फिर ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे नीचे और फिर ये आएगा ऐसे। तो अभी इसे हम डार्क शेड यहाँ पे ऐसे और बुक का भी आएगा शेडो।